आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी। क्यों, क्या बात है? ये देखो मेरा कॉन्ट्रैक्ट, आज मैं रेडियो सिंगर बन गई हूँ। मुबारक हो, वेरी गुड। विक्की, अगर तुम मेरी मदद ना करते तो ना ही मैं लोगों के सामने गा पाती और ना मुझे चुना जाता। लोगों को तुम्हारी आवाज ही बहुत पसंद आई। मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ गाया करो। मैं तुम्हारे साथ गाऊं? यानी कि तुम कहना चाहती हो कि मैं दिल्ली वापस ना जाऊं? तुम दिल्ली जा रहे हो? अब देखो ना, छुट्टियां खत्म हो रही हैं, दिल्ली में कॉलेज भी खुलता होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ रखा भी क्या है, मैं श्रीनगर से बिल्कुल बोर हो चुका हूँ। और फिर दिल्ली जाऊंगा, वहाँ मेरी माँ है, मेरे दोस्त हैं, मेरा बिजनेस है, और फिर यहाँ करने को भी तो कुछ नहीं है ना। अच्छो मुझे, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी छुट्टियों में तुम्हारे दिल बहलाने की चीज थी? तुम अमीरों को तो सिर्फ पैसे के सिवा। आज ये पैसे वाली बात कर ली, आने का भी मत करना। अरे पगली, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मैंने यही एडमिशन ले ली है, मैं यही रहूंगा तुम्हारे पास। मत करो मुझे। मैं शादी के बाद तुम्हें बहुत तंग करूंगा। तंग करोगे तो मैं रूठ जाऊंगी। तुम्हें मना लूंगा। कैसे? माफी मांग के। प्यार से मनाना, प्यार में माफी नहीं मांगते। जन्मदिन बहुत मुबारक। मुझे तो तुम्हारे साथ का ये जन्म मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तुम स्वीट हो। आप भी बताओ। फ्लावर्स। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। अरे माँ का, ये मैं कैसे भूल गया? क्या? मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा। लॉट्स एंड लॉट्स। विकी, तुम जानते हो मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करती हूँ? क्यों? क्योंकि तुम बहुत 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 अमीर हो। फिर तुमने अमीरी की बात की, मैं मारूंगा सोनू, मैं कैसा मारूंगा तुमको। थैंक यू अंकल। मैं खाना बनाती हूँ। मैं बहुत खा चुका हूँ, मैं अब नहीं खा सकता। अरे हाँ, तुम्हारा खाना कल 9 बजे रेडियो पे आ रहा है कि नहीं? गुड गुड गुड। तुम कितना अच्छा गाते हो, अगर हम दोनों साथ गाएं तो कितना अच्छा हो ना। कितना अच्छा होगा ना, मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं कि तुम्हारे साथ गाऊंगा मैं। हाँ हाँ, तुम क्यों गाने लगे, तुम्हारा तो लाखों का बिजनेस। सॉरी अब जो गीत आप सुनेंगे उसकी गायिका हैं सुनीता सिकंद। मैं विक्रम को भी गवर्नर साहब के साथ मिलाने ले जाऊंगी। अच्छा, मगर अभी तक वो आया नहीं, मुझे उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, गवर्नर साहब को फोन कर दीजिए कि मुझे जरा देर होगी। अरे प्लेन पहुंच चुका है, जल्दी करो जल्दी। स्टॉप द कार। विकी। माँ,
How are you? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? I'm sorry, I'm late, ma'am. लेकिन आप यहाँ अचानक कैसे आ गई? तुम तो जानते हो मेरा काम ही ऐसा है. माँ, ये मेरी दोस्त है सुनीता. मैडम, गवर्नर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं. हाँ चलिए. तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है. मैं आज शाम के फ्लाइट से वापस जा रही हूँ. तुम्हें एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं. पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगा. क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं. जिस तरह माँ तुमसे मिली मुझे पसंद नहीं आया. क्यों? इतने प्यार से तो मिली थी. माँ ऐसे मिलती है क्या? अरे तुमसे तो जानती हो जिंदगी में मैंने पहली बार किसी लड़की को माँ से मिला है. And she knows the दरिया मैंने क्यों मिला है. इतने दिनों के बाद माँ तुमसे मिली थी, सारी बातें तो तुमसे ही करनी थी ना. और मैं तो ऐसे ही आ गई थी. तुम ऐसे नहीं गई थी. मैं लेके गया था तुम्हें. बेकार में अपना मूड स्पॉइल मत करो. माँ ने दो बार तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछा था, इसलिए कल से हमारा मिलना जुलना बंद. आज से तुम और तुम्हारी किताबें. देख सुनो, तू चाहती है ना कि मैं इम्तिहान में पास हो जाऊँ? हाँ लेकिन तो प्लीज मुझे यहीं पढ़ने दे. ओके बाबा, तुम्हें यहाँ पढ़ना है तो यहीं पढ़ो. यार खोल ना पेपर और देख अपने रिजल्ट. नहीं यार, मुझे डर लगता है. एक तू समझता नहीं है यार, ज्यादा से ज्यादा तू फेल ही होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा. खुद की हवा टाइट है. तू पास होगा तो तू खोलना, मुझे नहीं क्या बोलता है. खोलना यार पेपर. मैं नहीं खोलता. मैं पास हो गया. चलो मुझसे शादी करोगी? माँ की इजाजत के बाद. भगवान, मेरी माँ नहीं, मेरे पिता भी नहीं, तुम ही मेरे माता पिता हो. भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि विक्रम और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहें. कहते हैं यहाँ धागा बांधने से हर मुराद पूरी हो जाती है. अच्छा, तो फिर क्यों ना हम अपना प्यार यहाँ बांधे? तुमने क्या मांगा? ये जिस्म, ये जान, ये जिस्म कभी जुदा नहीं होंगे. तुम और मैं और तुम आज से एक हैं. मेरी हर सांस में सुनीता होगी, सिर्फ सुनीता. मेरे होठों पे, मेरे दिल में प्यार का एक ही नाम होगा, विक्रम, सिर्फ विक्रम. कोई रिश्ता, कोई फर्ज, कोई धर्म मुझे मेरी सुनीता से दूर नहीं कर सकेगा. विक्रम से दूर करने से पहले भगवान मेरी जान ले ले. Hey,
इस माला के रूप में हमारा प्यार हमेशा यहाँ बना रहेगा। जब तक ये संसार है, इस संसार में ये मंदिर और मंदिर में ये माला, तब तक हम दोनों भी इसी प्यार के बंधन में बंधे रहेंगे। ये वादा रहा। फ्लाइट अनाउंस हो गई है और सब लोग सिक्योरिटी भी चेक करा चुके हैं। फ्लाइट मिस हो गई तो? मिस हो गई तो हम कल सुबह की फ्लाइट से चले जाएंगे और क्या? नहीं, इसी फ्लाइट से जाना। सुनो, धन्यवाद। माँ से हमारी शादी की बात बड़े प्यार से करना। प्यार से तुम्हें बात नहीं करना। क्यों? प्यार तुम्हें अपना यही छोड़े जा रहा हूँ। अब जाओ भी। जाता हूँ। क्या बात है, तुम खाने रहे हो? नहीं मैम, मैंने प्लेन में ही खा लिया था। तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ मैम, माँ वो जो सुनीता है ना। सुनीता? हाँ सुनीता, आप उसे श्रीनगर में मिली थी। बहुत अच्छी लड़की है ये सुनीता माँ, बहुत अच्छा गाती भी है। उसका पूरा नाम सुनीता सिकंद है माँ। कॉफी पियोगे? कश्मीर का मौसम कैसा है? अच्छा जी माँ, मैं सुनीता से शादी करना चाहता हूँ। सुनीता के बारे में मैंने कुछ लोगों से पूछताछ करवाई। लो इसे पढ़ो। क्या ये? मैंने कहा ना इसे पढ़ो। सुनीता जैसी लड़की किसी शरीफ खानदान की बहू नहीं बनती। सुनीता का बाप एक खूनी था जिसे फांसी हो गई थी, और सुनीता की मां सुनीता को किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर पता नहीं कहां चली गई। मैं ये सब जानता हूं मां, लेकिन इसमें सुनीता का क्या दोष है? विकी, तुम अपनी इज्जत देखो, सोसाइटी में तुम्हारा स्टेटस देखो, तुम किस खानदान से हो, और वो मैं उसे अपने खानदान की बहू कैसे मान लूं? इसके पास कहने के लिए खानदान तो क्या, अपने माँ बाप का नाम तक। मैं सुनीता जैसी बदनाम लड़की से। एक मिनट माँ, प्लीज एक मिनट। आपकी सोसाइटी में मेरी सुनीता का क्या नाम है मैं नहीं जानना चाहता, और ना ही मुझे खानदान और इज्जत से कुछ लेना देना, क्योंकि उन बातों को नहीं मानता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं सुनीता से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, बस। तुम्हारा प्यार तुम्हारा जाति मामला है, मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता। लेकिन शादी तुम वो बिजनेस संभालने जा रहे हो जिसमें लाखों का लेन देन है, और उसके लिए चारों तरफ कैरेक्टर, विश्वास, भरोसे और सच्चाई की दीवारें बनानी पड़ती है। किसी तरफ से भी हमारी इज्जत पे बदनामी का छींटा हमारे सारे बिजनेस को बर्बाद कर सकता है। अपने प्यार के लिए तुम हमारे खानदान, हमारी इज्जत, हमारे बिजनेस पर किचन नहीं उछाल सकते। मैं अपने खानदान, अपनी इज्जत, अपने बिजनेस पर कोई किचन नहीं उछाल रहा, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा करने आया हूँ। आपसे इजाजत देना चाहता हूँ ताकि मैं और सुनीता शादी कर सके। आपका जवाब हाँ है या ना? देखो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम्हारी आपका जवाब हाँ है या ना? तुम समझ हाँ या ना माँ? नहीं, हरगिज़ नहीं।